बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सियासी खेल एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया और बतौर सहाफ़ी अगर हम ये बात करते हैं तो कभी कभार अपने ऊपर भी शर्म आती है कि इतने अरसा गुजर गया, 76 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को, लेकिन जो कुछ हमने 16 महीनों में देखा वो शायद पहले नहीं हुआ होगा। कुछ अंदाज़ा 3 साल 7 महीने की गवर्नमेंट और फिर ये 16 माह, 5 साल कम्प्लीट हो गए और 5 साल में तारीख ने वो कुछ देखा पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और हम भी अपने आने वाले स्टूडेंट्स को, लोगों को ये बताते हैं कि जनाब अगर तुम्हें वकालत सीखनी हो और पाकिस्तान की चीज़ों को अगर सही तरह से समझना है तो आजकल के हालात को ज़रूर देख लो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल एक ऐसा बिल जिस पर मैंने अपने प्रोग्राम में पहले भी ये बात कही कि कोई भी ऐसी चीज़ हो बतौर सहाफ़ी हम उस पर एग्री उस वक्त नहीं करते कि जब इंसानी हकूक़ की पामाली हो, लेकिन उसके साथ ही साथ अफवाज पाकिस्तान को अगर कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे या कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें अफवाज पाकिस्तान का नाम ख़राब किया जाए या उनके खिलाफ कोई साजिश हो तो उसको भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ऐसी कौमें जो अपने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करती हैं वो मुल्क कभी भी स्टेबल नहीं रह सकते। ये कहना कि अफवाज की ज़रूरत क्या और क्या नहीं, जिन ममालिक की अपनी अफवाज नहीं होती उनका भी ज़रा बतौर ख़ास आप जायज़ा ले लीजिए। वहाँ पर दूसरे ममालिक की फ़ौजों को आना पड़ता है और फिर दूसरे ममालिक की फ़ौज आना किस हद तक पाकिस्तान के महल वकूक़ के लिए ख़तरनाक है वो आपको भी समझना चाहिए। हमेशा ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान की बात करते हुए पाकिस्तान के महले वकूक़ और बॉर्डर्स का भी जायजा ले लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ऑफिशियल सीक्रेट बिल एक ऐसा एक्ट जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस एक्ट को हमारे पड़ोसी मुल्क में भी है लेकिन उस पर उसको डेल्यूट करने की बात की जा रही है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान में इसको मज़ीद मुस्तहकम करने की बात की गई। जो भी साइनिंग अथॉरिटी होता है वक्त की वही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है जब कानून साजी होती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब कवानीन पास हो जाते हैं तो फिर जब वो दौरे हुकूमत में नहीं होते तो फिर ये बात करते हैं जनाब कि हमारे साथ तो हाथ हो गया और हम तो इसमें शामिल नहीं थे, कोई और ही ताकतें थी जो हमसे करवा रही थी। लेकिन उसके बावजूद पीडीएम की गवर्नमेंट बिल्कुल होगी, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी और बहुत सारे कवानीन ऐसे भी पास हुए जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान की जो तारीख है वो याद रखेगी शहबाज शरीफ साहब को। एक और तारीख याद रखेगी जो अभी एक मुजायका खेज बात ही कर लें कि जनाब एक चीज़ पास हो जाती है उसके बाद ये कहा जाता है सदर मुमलिकत, यानी कि सबसे बड़ा ऑफिस आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जो आप इसको सबसे बड़ा दफ्तर कह सकते हैं, वहां से एक ट्वीट जारी होता है कि जनाब मैंने तो उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन ही नहीं किए और ये ऐसे ही निकल गया। कानूनी तौर पे इसमें क्या मसाइल हैं हम देखेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी है कि अगर सदर साहब कोई कानून पास नहीं करना चाहते या उस पर कोई एतराज़ है तो एक एतराज़ का नोट लिखा जाता है, उसके बाद आगे उसको पास कर भेजा जाता है। ये अब पहलू अलग बात है कि 10 दिन उन्होंने रखा नहीं रखा, आगे क्या होगा, लेकिन इस वक्त ये जो ट्वीट है सदर आरिफ अलवी साहब का ये एक तहलका मचा गया है। क्योंकि जनाब ये आइन, इदारों और तमाम लोगों पे एक सवालिया निशान है और पाकिस्तान में तो वो जंग जारी है कि आप आइन को बचाएंगे कि पाकिस्तान को बचाएंगे, दोनों को साथ ही रहेंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मीर अमीर मोजम भट्ट साहब, आप सेक्रेटरी जनरल इंसाफ लॉयर फोरम है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में मुख्तार भट्ट साहब, कर्नल मुख्तार भट्ट साहब, आप तजियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपकी तरफ जाते हैं मोहम्मद अमीर मोजम भट्ट साहब। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुन लिया, क्या कमेंट करेंगे? मैं समझता हूँ कि बहुत जिम्मेदाराना इंट्रोडक्टरी पार्ट था और आपने जो परसेप्शन बयान किया है वो मानी खेज भी है, दुरुस्त भी है और उस पर बात भी हो सकती है। जो इंटेंट है, जो कंटेंट आपकी गुफ्तगू का है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन पे है एंड आई अप्रीशिएट दैट। और बहरहाल मैंने आपकी बात को सुनते हुए ये ज़रूर महसूस किया और मैं इसकी आपसे तस्दीक भी चाहूँगा कि आपने ख़ास तौर पे हैरानगी का इजहार किया है पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक बिल के बारे में कि जिस पे ट्वीट आ गई और कहा कि दस्तखत हमने नहीं किए। ऐसा ही है ना, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ पाकिस्तान में। ये सबसे पहली बार हमारे गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद साहब, उनके दौरानी में हमारी पहली आइन साज असम्बली थी और आइन साज असम्बली की सरबराही उस वक्त कर रहे थे मौलवी तमीजुद्दीन। और आपको पता है आइन साज असम्बली ने एक अमेंडमेंट की और अमेंडमेंट के तहत उन्होंने जो इख्तियारात गवर्नर जनरल के हुआ करते थे वो लेकर उस अमेंडमेंट के तहत एक्ट ऑफ इंडिया 1935 में तब्दीली लाकर उन्होंने इख्तियारात तफवीज़ कर दी अदालतों को और अदालतों को कहा कि जी आप फैसला करेंगे क्या सही है क्या गलत है, आप डायरेक्शन देंगे ऐसा करो वैसा करो और रिट्स आप जारी कर सकते हो। सो ये हुआ था। अब हुआ क्या, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त बुनियाद की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। मौलवी तमीजुद्दीन हमारे पूरे आईनी इर्तिका की बुनियाद है। फिर मौलवी तमीजुद्दीन ने हुआ क्या कि फिर असम्बली ख़त्म कर दी गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद साहब ने, तो मौलवी तमीजुद्दीन अदालत में चले गए, वहाँ पर अमेंडमेंट तो आ चुकी हुई थी और कहा कि जी अब आप फैसला करें। तो पहली कराची में हमारी जो अदलिया थी, सिंध अदालत जो थी, वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन एज्यूम की, एतराज़ उठा कि जनाब आप गुलाम मिर्ज़ा गुलाम अपने गुलाम मोहम्मद साहब गवर्नर जनरल जो हैं उनको आप नहीं क्वेश्चन कर सकते, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। और वजह उसकी ये है कि जो अमेंडमेंट की गई है दस्तूर के मुताबिक उस पर गवर्नर जनरल के दस्तखत नहीं है, ये तो कानून बना ही नहीं, तो आप किस तरीके से जुरिस्डिक्शन एज्यूम कर रहे हैं। इसके बावजूद सिंध हाई कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, ये जो असेंबली टूटी है गलत टूटी है। फिर ये मसला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बावजूद इसके कि दस्तखत नहीं हुए थे, होने चाहिए थे, उन्होंने जुरिस्डिक्शन एज्यूम की और विदाउट जुरिस्डिक्शन करार दे दिया फैसले को सिंध हाई कोर्ट के। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो मसला बना वो ये था कि इतने ज़्यादा कवानीन बने हैं और उन पर सदर साहब के गवर्नर जनरल के दस्तखत नहीं थे, उनका क्या होगा। फिर अदालतों ने उसे रेगुलराइज किया। सो ये मसला पहली बार नहीं है, बल्कि अव्वल बार भी ये हुआ था और अब आखिर बार भी आपके सामने। उस वक्त 58(2)(b) तो नहीं थी या थी, वो गवर्नर जनरल ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आइन साज असेंबली को तोड़ दिया था। 58(2)(b) नहीं थे लेकिन गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल वॉज लाइक अ किंग और वो जो है, चले आप कानूनी तौर पे बात करें, मेरे इल्म में भी इजाफा हो, नाज़रीन के इल्म में भी इजाफा हो। 58(2)(b) हमारे जो एक निज़ाम है उसमें किस हद तक ज़रूरी थी, और इस वक्त आप सदर मुमलिकत का जो एक आप इख्तियार देखते हैं, सॉरी टू से आरिफ अलवी साहब 5 सालों में मुझे सिर्फ इतना लगा कि एक डमी के तौर पे हैं और ज़्यादातर अपनी पार्टी के सपोर्ट करने के ऊपर बात कर रहे हैं, जबकि सदर जो है वो किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये तमाम कवानीन 3 साल 7 महीने में भी तो सर पास हुए बहुत सारे, ये नहीं इसको छोड़ दें, लेकिन बग़ैर कुछ कहे बहुत आसानी से सदर साहब सिग्नेचर्स कर देते थे। और इस वक्त आप क्या समझते हैं, आरिफ अलवी साहब ने अगर किसी चीज पे इख्तलाफी नोट नहीं लिखा तो वो किस हद तक उनके खिलाफ बात जाती है। मैं आपके इस्तेदलाल को दुरुस्त करा देता हूँ, आपका परसेप्शन ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप उनके ट्वीट को देखिए, उन्होंने कहा मैंने दस्तखत नहीं किए। अब दस्तखत नहीं किए ये अलहदा बात है, उनके दस्तखत दिखा दिए गए अलहदा बात है, उसे कह दिया गया मामला यहाँ पे ये। और ट्वीट पे आप हैरान इसलिए ना हो कि आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लें, उसने पूरी प्रेसिडेंसी चलाई है और उसने ये देखता था कि मीडिया एक अलहदा परसेप्शन दे रहा है, दूसरी तरफ से अलहदा गाइडलाइंस जा रही, वो अपना व्यू बिल्कुल रखते थे और ट्वीट में कर दिया करते थे, बयान कर दिया करते थे। ही टुक अ स्टांस, उसने कहा मैंने नहीं साइन किया। चले मुझे थोड़ा आसान करके इसको समझाएं। एक वो ये कहते हैं कि उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, ठीक है, सिग्नेचर हुआ, ये एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उनकी इख्तलाफी नोट आता तो फिर आगे क्या सिचुएशन होनी थी। आप इस तरह से बात कीजिए कि क्या उन्होंने कोई इख्तलाफी नोट लिखा, इख्तलाफी नोट नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं है। क्या उन्होंने उस पर दस्तखत किए, सवाल ये है। और अब इसे डिटर्मिन इसलिए होना है कि उन्होंने जो प्रिंसिपल, उनके जो सेक्रेटरी थे उनको हटा के एस्टैब्लिशमेंट के पास उनकी वो जिम्मेदारियां सौंप दी हैं और जो है उन्होंने कहा है कि जी अदालत बुलवा ले तो मैं अपनी सफाई पेश करूंगा। और उसका कहना, उनका कहना भी मैं पढ़ रहा था स्टेटमेंट उनकी, तो वो ये कह रहे थे कि मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इतने दिनों में ये क्यों नहीं, तरदीदी नोट क्यों नहीं लिखा गया, कोई रिजर्वेशन थी वो क्यों नहीं बयान की गई, और अगर दस्तखत था वो क्यों नहीं किया गया। He could not say this. He has to simply say कि सदर साहब को हमने पुट अप किया, सदर साहब ने दस्तखत किया या सदर साहब ने दस्तखत नहीं किया, बात सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है। इसके अलावा तो बातें जितनी भी हैं ना, जितने भी सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन फैक्ट इन कंट्रोवर्सी और कंसिडरेशन तो यही है कि उन्होंने दस्तखत किए हैं या नहीं किए। क्या उनके दस्तखतों के बगैर, चलें ठीक है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि क्या सदर आरिफ अलवी साहब को वो क्या बचने की कोशिश कर रहे थे कि इस लिहाज से कि जनाब मैं, अब ये तो असेंबली तो टूट रही है, अब असेंबली तो ख़त्म हो रही है और ख़त्म होने के बाद मैं क्यों ये मसला अपने ऊपर लूँ, ठीक है जनाब आने वाले देखेंगे जो कुछ होगा। पहली बात यह है कि अगर आप किसी चीज़ को आपके नोटिस में आ जाती है और वहाँ पे एक कैफियत अगर आप खामोश रह लेते हैं ना, तो ये तो मामले आईनी और कानूनी हैं। अगर वो खामोश रह जाते हैं, कोई भी सदर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ अलवी साहब, तो फिर इस वाला मसला के 10 दिन में कर लिया जाता है। अब ये भी तो देखना चाहिए ना, उन्हें पेश हुआ या नहीं हुआ, वो मिसकंडक्ट तो नहीं हो गया। मिसकंडक्ट किसको बोलते हैं? आपको जो करना चाहिए आप नहीं कर रहे। मीनिंग देयर भाई देयर वाज सम ऑफिशियल हायरार्की, उसने ये काम करके टेबल करना है ना, तो वो टेबल हुआ नहीं हुआ, स्पीकर को ये अपने सर साहब को पेश किया गया कि नहीं किया गया, उन्होंने दस्तखत किए या नहीं किए, ये मामला है ना। लेकिन उनके पीछे नीचे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जवाब देगी इसका। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, आई एम नॉट एज अ प्रोफेशनल लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप ये देखिए, मामला यहाँ पे ये है कि डिटर्मिन ये होना है कि उन्होंने दस्तखत उस पर किए हैं या नहीं किए, पेश हुआ था उनके सामने डिस्पोजल के लिए मामला या नहीं किया हुआ था। मामला यहाँ पर यह देखा जाना है, और अगर उन्होंने नहीं किया था और फिर पोर्ट्रे कर दिया गया, तो उसमें अगर वो चुप रहते तो इसका मतलब यह था कि उनकी खामोशी उन पे ये चीज साबित कर देती कि इसमें उनकी रजा शामिल है। कानून का ये उसूल है, तो आप पे स्टॉपल आ जाता है। बहरहाल बहुत सारी ऐसी कानूनी पेचीदगियां हैं जिसको हम चाहेंगे कि मजीद उसको क्लियर भी करें, लेकिन यहाँ सवाल जो बनता है वो ये है कि जी दस्तखत हुए नहीं थे, आगे पास होना ना होना तो वो तो एक अलग इशू है, लेकिन अगर किसी ने जालसाजी से दस्तखत किए, जो कि अभी साबित नहीं हुआ, अभी तो चीज़ें आगे चलेंगी और बाकायदा कोर्ट में इस चीज़ों का फैसला होगा, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, बड़ी मुतमईन सूरत हाल नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को या पाकिस्तान से बाहर वालों को या आने वाली नस्लों को बताएं कि जनाब आरिफ अलवी साहब जो हमारे सदर थे उनके साथ कुछ हुआ या उन्होंने किसी वजह से किया। बहरहाल मजीद बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद फौरन आते हैं। जी, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। और सदर आरिफ अलवी साहब आपने जाते जाते ही सही, लेकिन एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि जो तारीख मैंने पहले भी कहा कि याद रखेगी। ये सवाल ये नहीं है कि हुआ क्या है, सवाल ये है कि ऐसा भी हो सकता है किसी रियासत में कि किसी के दस्तखत पे सवाल उठा दिया जाए। और अगर सदर आरिफ अलवी इस वक्त सीट पे है तो वो ये कहते हैं जनाब अभी जो बयान आ रहा है दूसरा, यह हम कानूनी तौर पर इस पर देखते हैं कि आर्टिकल 6 के तहत वो इस पर मुकदमा अपने स्टाफ के खिलाफ भी कर सकते हैं। क्या सर इसी तरह से है? मैं मेरी थोड़ी तस्दीक कीजिएगा। देखिए, सवालात तो उठाए जा सकते हैं। आपने आर्टिकल 6 की बात की, उसका तो एक अलहदा मैकेनिज्म है। मैंने बताया ना कि मिसकंडक्ट जो है ना उसके दायरे कार में बात आ सकती है, सो फार एज दी एस्टेब्लिशमेंट इज कंसर्न, कि अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी में कर लिया है, इंक्रोच कर लिया है प्रेजिडेंट के इख्तियारात को, तो वो तो एक मिसकंडक्ट के दायरे कार में आएंगे। फिर उसके मुतल्लिक दूसरी अगर एविडेंस आती है कि वो ऐसी नीयत के साथ कि वो रियासत पाकिस्तान को खतरे में डाल रहे हैं, तो फिर यकीनन वो आर्टिकल 6 वाली बात को देखा जा सकता है। अभी तक वो बात आई नहीं। देखिए, दो फैक्ट्स को समझिए। प्रेसिडेंट कह रहे हैं मैंने दस्तखत नहीं किया, पहली बात। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि मैं हैरान हूं कि इतने दिनों में इन्होंने इख्तिलाफी नोट क्यों नहीं लिखा। तो और अब ये जो चीज़ है ना दरमियान वाली, ये चीज़ फोकस करने की है। देखिए, मुल्क की तारीख में, कौमों की तारीखों में आईनी सवालात उठाए जाते हैं, और जब आप उन्हें हल की तरफ लेके जाते हैं और उसे प्रॉपर तरीके से मार्जिनलाइज करके डिस्पोज ऑफ करते हैं, आपके सामने हकायक खा जाते हैं। वगरना मफरूजा आराई जो है ना वो बिगाड़ पैदा करती है। चलिए हम मफरूजे पर नहीं जाते। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर फिलहाल ये बिल, अगर आरिफ अलवी साहब जिस तरह से ये चीज़ें होती हैं, इसकी इंक्वायरी होती है, उसके बाद क्या सूरत हाल हो सकती है? आपको लगता है कि क्या कानून से उस चीज़ को हटा दिया जाएगा या इसको वापस ले लिया जाएगा? और फिर अगर इसके तहत किसी की गिरफ्तारियां हो रही हैं तो क्या वो भी ख़त्म हो जाएंगी? दो बातें हैं, दस्तखत का होना और उसे गजट में नोटिफाई होना। ये दोनों चीज़ें जब मुकम्मल हो जाती हैं ना, तो फिर कहा जाता है कि कानून बन गया हुआ है, तो फिर उस कानून की पजीराई होती है, जो भी उसमें मैकेनिज्म दिया हो उस पर अमल दरामद होता है। तो बाकी चीज़ें इरेगुलरिटी में आएगी, जो चीज़ होनी चाहिए थी नहीं हुई, अब हो गई है, तो जाहिर है जब होती है तो उसका इतलाक बाद में होता है ना, उसके मुताबिक होगा। तो अब आपने कहा कि वो जो मुकदमात दायर कर दिए गए हैं, तो यकीनन अगर नोटिफाई ही नहीं हुए, कानून ही नहीं बना, तो उसूल स्ट्रिक्टो सेंसो में तो हम ये कहेंगे कि वो जो केसेस हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब कानून नहीं तो केसेस कहाँ पे? अब रही दूसरी बात कि उसे मानी दे देना। देखिए, आईन में क्या है? आईन में यह कि आपने तब्दीली करनी है, 2/3 अक्सरियत लेके आइए। लेकिन आप ये देखिए, 1999 में अदलिया ने ही सुप्रीम कोर्ट ही ने फर्द वाहिद को ये इख्तियार दे दिया, जनरल मुशरफ साहब की बात कर रहा हूँ, कि आप आइन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। किसने इख्तियार दिया? अदलिया ने इख्तियार दिया। क्या इख्तियार दिया? आइन में तब्दीली का, जिसे तब्दील करने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो फिर अदालत अपनी विजडम में अगर ऐसा कोई रास्ता निकाले, तो मैंने कहा वो तो उन्होंने मौलवी तमीजुद्दीन के बाद होने वाले मुकदमात में भी कर दिया था, और आज वो भी अगर करेगी तो दैट विल बी अ जजमेंट विच इज टू बी सीन। तो उस पर आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना आगे जाने की बात नहीं है, बुनियाद को दुरुस्त कर लेना चाहिए अभी इसमें फौरी तौर पर। तो उस असेंबली के हिस्सा हमने 16 महीने में ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट में कौन क्या फैसला कर रहा है। अब उसके फैसले करने के लिए 5 रुकनी कमेटी का हमने तो ये असेंबलियों में बनने वाली थी। अब सोचें कि आप ये भी, हमने पाकिस्तान में ये भी मजाक देखा है कि जी असेंबली के लोग ये फैसला करने वाले थे कि सुप्रीम कोर्ट वाला बंदा जो फैसला कर रहा है वो ठीक है भी कि नहीं है। लेकिन सर एक और बात यहाँ पे है कि सुप्रीम ये जो एक्ट है हमारा, सीक्रेट एक्ट बिल जो एक्ट है, ये तो पहले भी था ना, इसमें मजीद सख्ती आई है, बस इतना ही है ना कि मजीद इसको हमने बिगाड़ दिया है, लेकिन बिल तो हमारे पास पहले भी मौजूद था। और अगर मजीद इसमें सख्त में मैं बात करूं तो ये भी है कि काम तो पहले भी हो रहा था, उसको ऑफिशियल किया गया नहीं, इसे इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। उसमें यह है कि बादियों नज़र में इस तरह के मुकदमात को देखने के लिए अमेंडमेंट का अगर सोचा गया है तो ये पहली मरतबा हुआ है। अगर तो आप एक मखसूस दस्तावेज की निस्बत से बात करना चाहें तो आपने माजी का रेफरेंस तो दे दिया, लेकिन माजी में यही रेफरेंस तो जुल्फिकार अली भुट्टो, हमारे इतने मुमताज़ हमारे लीडर थे, हमारे वजीर आज़म थे, पहली बार तो उनके साथ भी हुआ था ना, लेटर आया था, वो लेटर उन्होंने असेंबली में भी डिस्कस किया, स्पीच की, उससे पहले जाके राजा बाजार की चौक पे खड़े होकर आवाम को भी दिखाया। दैट हैड हैपेंड। अगर उस वक्त वो इशू एड्रेस होके अदालतों में भी और इवन अदरवाइज अगर कानून साजी होनी थी अगर हो जाता तो आइंदा के लिए राह खुल जाती। सो दिस इज़ नॉट दी फर्स्ट टाइम। ये अच्छी बात है कि वो ये कंसीव कर रहे हैं कि अब इस मामले को लाना चाहिए कि अगर आने वाले कल में भी इस तरह से इशूज़ उठते हैं तो उन्हें हम देख सकें। इसे कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, और ये एक अच्छी बात है। इसे हमें आसानी से ये नहीं कहना चाहिए कि चंबे की बात हो गई। इश्यूज बनते हैं। अब आप देखिए अमेरिका आके ड्रोन्स अटैक्स करती थी, बैन अवी उसके कानून की खिलाफ वर्जी करती थी, कहा कि आप नहीं कर सकते, हमारी सॉइल पे कैसे आ सकते हैं। उन्होंने सेल्फ डिफेंस को अलहदा तारीफ दी और कहा कि नहीं, अगर हमारे खिलाफ साजिश हो रही है तो हम उस मुल्क में घुस के भी वहां पे उन्हें मार सकते हैं कि ताकि यहाँ पे टेररिज्म ना हो। सर तो ये कतई कलामी की बाजार चाहती हूँ, ऐसा लगता है कोई फिल्म का सीन है। 1997 में जब ड्रोन की एक फिल्म शूट हुई तो उस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे किस किस्म की फिल्म है, लेकिन उस वक्त जो है कुछ साल ही बाद आपने ड्रोन भी देखा, पूरी जंगें ड्रोन के ऊपर हो गई। बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि माजी में होती आई हैं और उसको सिर्फ स्क्रिप्ट को थोड़ा सा चेंज करके फिर पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो रहा है। और इस दफा जो इम्प्लीमेंट हुआ कि सदर साहब आप साइड में हो जाए, अमी हमें तो मेरा कुछ कहना भी फजूल होगा। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब, आपकी किताब में कल मुताला कर रही थी, इस वक्त जो सूरत हाल है ये क्या आप देखते हैं? ये जो अभी एक अलग सी सूरत हाल सामने आई है, सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो इनकार कर रहे हैं कि उनका दस्तखत नहीं है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि अमीर मोजम साहब ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपको इसका ब्रीफ एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं अपनी थोड़ी जो मेरी समझ है, आई एम नॉट बेसिकली ए लॉयर, तो मेरा तो एक तजिया होगा। देखिए बात यह है कि जब बिल असम्बली से आता है तो उसके लिए जो मुद्दत है वो 10 दिन की तय है। 10 डेज में प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने बिल को सेंड करना है या उसको वापस करना है। अब ये जो केस है उसमें बिल भेजा उनको 2 तारीख को और 11 तारीख को उसका जवाब जाना चाहिए था। इसमें जो नुक्ता है ना वो ये है कि प्रेसिडेंट साहब ये फरमाते हैं कि मैंने अपने स्टाफ से कहा कि इसको वापस भेज दो, क्योंकि दस्तखत उन्होंने किए नहीं, तो वापस भेज दो। तो ये जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो प्रेसिडेंट अपने दस्तखतों से नहीं करता, वो स्टाफ ऑफिसर जो होते हैं उनके वहां बैठे हुए वो इसको डील करते हैं। जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने अभी आज अपना बयान दिया है, तो आर्टिकल 75 अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि वो बिल को 10 दिन रख सकते हैं आराम से। लेकिन अब चूंकि 10 दिन में वापस नहीं गया, ज्यादा दिन हो गए, तो हुकूमत ने ये प्रज्यूम कर लिया कि जी असेंट हैज बीन डीम्ड, हो गई है, उनकी मर्जी हो गई है, और उन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दिया। सर यहाँ पे दस्तखत वाला मामला है कि तो जांच हासिल हो गई ना। दस्तखत तो उन्होंने तो कहते हैं ना, मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए, प्रेसिडेंट ने तो ये कहा कि दस्तखत नहीं किए। लेकिन आप जो गवर्नमेंट का जो व्यू पॉइंट है वो ये कहते हैं कि क्योंकि आपने 10 दिन में नहीं भेजा, ज्यादा दिन हो गए, तो हम ये प्रज्यूम करते हैं कि आपने उस पर एग्री किया है। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आर्टिकल 75(1) कहता है कि ये जब हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मुशर्रफ इलाज में डिस्कस होगा और वहां से ये फिर पास होगा, दोबारा वापस आएगा, और वो अगर 10 दिन के अंदर नहीं होता तो फिर ये जो है वो इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन असेंट, ये है। तो ये इतना आसान काम नहीं है। अब इसमें जो बेस्ट जो चीज थी वो ये थी कि ही शुड हैव ऑर्डर्ड इंटरनल इंक्वायरी, कि भाई ये मैंने जब कहा था इसको वापस भेज दे तो वापस क्यों नहीं भेजा, मतलब दैट वुड हैव बीन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और अब वो इसका सब्जुडाइज हो जाएगा, हम इस पर अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते, हम एक जनरल जो है बात कर सकते हैं कि ये जो भी हो रहा है ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। पहली बात तो ये है, हम अपने लड़ाई को बड़ा हमने एक्सटेंड कर लिया है जो कि सही नहीं है, इससे किसी का कोई भला नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। तो इसको मतलब ये है कि इसको उस तरीके से लेना है, और हम इसका बेस्ट सोल्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही इसका नोटिस दे सकती है। अभी पिटीशन गई है, वो इसको देखें किस तरह से देखते हैं। प्रेसिडेंट ने तो कह दिया कि मैंने दस्तखत नहीं किए, खत्म होगी बात। सर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई फेस सेविंग की कोशिश भी हो सकती है? किसकी फेस सेविंग? सर आरिफ अलवी साहब जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जाहिर सी बात है अब उस पार्टी में पकड़ दकड़ का तो ये आरिफ अलवी साहब कोई इट इज नॉट अ केस इन आइसोलेशन। जरदारी साहब पीपल पार्टी के सदर थे, ममनून हुसैन नून लीग के पार्टियों के सदर ही होते हैं ना, ये कोई नहीं। सर इनकी पार्टी के साथ कुछ अलग हुआ है ना, सबकी पार्टी के साथ ऐसा तो नहीं हुआ था, कम से कम जो ये इनकी पार्टी के साथ जो कुछ नहीं वो तो ठीक है, वो एक बड़ी लंबी बहस है कि वो क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए था, सबको मालूम है, इट इज नो मोर ए सीक्रेट। लेकिन जो इस वक्त पोजिशन है वो ये है कि प्रेजिडेंट हैज कैटेगोरिकली सेड I have not signed the bill, so we must give him that credit कि वो प्रेसिडेंट है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, तो वो गलत बयानी से तो काम नहीं लेंगे ना, वो कह रहे हैं कि वो सच कह रहे हैं। इसके लिए इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट है, और जितना इनका स्टाफ है जिनको इन्होंने ऑर्डर दिया बैठ के उनकी इंक्वायरी करें, और उसके बाद whosoever is responsible उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, मेरा ख्याल ये है। सर एक और रवैया हमने इसमें देखा है तमाम सूरत हाल में कि ये फौरन से आरिफ अलवी साहब से जो है वो इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है। एक शख्स ये कहता है चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसने ठीक किया है गलत किया है, लेकिन इस्तीफे का मुतालबा करना, ये किस तरह देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए ये तो बचकाना सवाल है कि इस्तीफा दे दें, तो वैसे भी टेन्योर उनकी पूरी होने वाली है, और जब इलेक्शन होंगे जो नया सदर आएगा और उनको इम्यूनिटी है, कोई उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता जब तक नया सदर जो है वो मुंतखब नहीं होता। ये पॉलिटिकिंग होती है कि जी इस्तीफा दे दो तो ये कर लो वो कर लो। कितने लोगों ने ऐसे कहने से इस्तीफे दिए हैं, रोज आप पढ़ती हैं अखबारों में, अरे कोई ये कहा जाता हम इस्तीफा दे दें, भी आपका वो काम ठीक नहीं है। तो ये एक सियासी बयान है, इसको उस तरह से लें, तो इसमें कोई वो संजीदगी का पहलू मुझे नजर नहीं आता। सर दूसरी बात ये भी है कि सीक्रेट एक्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो पहले भी ये सब चीज़ें तो जारी थी, अब उसको कानूनी तौर पे मज़ीद मुस्तहकम कर दिया गया है। कोई अचंभे की चीज़ तो नहीं थी, कोई आप सोचेंगे कुछ अलग से? देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जब से पाकिस्तान बना है जब से चल रहा है, 1923 पाकिस्तान, हाँ ये जब भी 50 में बना था ये, और उसके बाद आप ये देखेंगे पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1923 को हुआ, पहले से बना हुआ था, और 1952 और 53 में इसको रिव्यू किया गया। हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो इसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो भी लागू है और उसमें ये भी प्रोविजन है कि एनी सिविलियन कैन बी ट्राइड बाय मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई किया जा सकता है, इसका प्रोविजन है। नॉर्मली बहुत कम ऐसे होता है, अनलेस देयर इज अ वेरी सीरियस हेनियस क्राइम, तो उसमें फिर ये, लेकिन वैसे नहीं है। तो ये आपने जो बात की है कि वो तो ऑलरेडी मौजूद था, अब इसमें उन्होंने इसको एक कानूनी शक्ल दे दी है और इसको एलोबरेट कर दिया है और इसमें कुछ और चीजें भी डाली हुई हैं, मजीद सख्ती कर दी है उसमें। सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो पुलिस जो अफसरान होते हैं, पुलिस का इदारा होता है, उसको तो पूछगछ हो सकती है, इससे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एजेंसीज की तो पूछगछ वैसे भी नहीं हो सकती। नहीं, एजेंसीज की देखें ना, उनका अपना एक रोल है, वो तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, 75 साल से आप कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप उनके जो है इनकी भी अगर आपने कानून साजी करनी है, कानून चेंज करना है, तो यू कैन ब्रिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और विद 2/3 मेजॉरिटी आप अमेंड करें। ये तो देखें असल में इनको हमारे जो सियासतदान हैं इनको एक बात समझ नहीं आती, ये सिर्फ किसी एक मखसूस पार्टी के लिए कानून नहीं बनाया गया। ऑफ कोर्स मतलब जनरल इम्प्रेशन जो दिया जा रहा है कि जी ये पीटीआई के खिलाफ बनाए, नो, इसमें ये सारे आ जाएंगे, पीपल पार्टी वाले भी आएंगे, पीएमएल वाले भी आएंगे। भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था मेरे और मरियम के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। जितने भी सियासी जमातें हैं वो सब इसके अंदर आएंगी, क्योंकि ये एक आइसोलेशन में इसकी एप्लीकेशन नहीं हो सकती। मीर मोजम साहब इससे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। सर हमारे साथ लाइन पे रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अभी मौजूद हैं मोहम्मद अमीर मोजम भट्ट साहब। सर एक और चीज़, अभी कुछ देर पहले आपने बात कही थी कि उस वक्त किसी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि चीज़ें बदल जाती तो आज ही नहीं होता, तो ये तो हम पाकिस्तान की तारीख में देखते हैं, कोई भी एक्ट होता है उस वक्त हम ये कहते हैं जनाब अभी सोमोटो की बात हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात को चैलेंज करने की बड़ी बहस हुई, बड़ी चीज़ें सामने आई, तो ठीक है पहले अगर माजी में कुछ गलत हो जाता है उस वक्त क्यों नहीं हमें याद है। ये टाइम पे बात करना और टाइम पे चीज़ें करना, जब हमारी दौरे हुकूमत होता है, हम जब इख्तदार में होते हैं और बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही होती हैं, तो शायद हमें इदारों से ताल्लुकात बेहतर बनाने होते हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो चीफ जस्टिस अदलिया हो, तमाम लोगों से हम अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई चीज़ रह भी जाती है तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता, हम बाद में उस चीज़ को लेकर बैठते हैं ताकि, और वो फिर आगे तारीख में वो चीज़ें चलती रहती हैं। क्या कहते हैं सवाले से? कभी आपने गौर किया हो, पहले तो मैं भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने बड़े मौसर अंदाज से बात को आपके सामने रखा। देखें होता यह है कि दलदल का एक उसूल याद रखें कि जब आप उसमें फंस जाए ना, तो दलदल में रहते हुए आप जितने भी हाथ मारेंगे ना, आप अंदर ही धंसते चले जाएंगे। उसका तरीक ये होता है कि बैरूनी किसी सहारे को पकड़ के उसकी कुवत के साथ बाहर निकला जाता है। ये एक सिस्टम है, एक तरीक है। वक्त पे फैसले किए जाएँ और वक्त पे कौमी मफाद के मुताबिक फ़ैसले किए जाएं और ड्यू प्रोसेस को ऑब्ज़र्व किया जाए तो ये फ़ैसले हो जाते हैं। अब मैंने आपको कहा ना कि आज आपको ज़रूरत जब पड़ रही है, हमारे मुल्क को ज़रूरत पड़ रही है कि सीक्रेट एक्ट में उन्होंने अमेंडमेंट तजवीज़ की हैं। देखिए आप आज ये सूरत हाल ना होती अगर जिस वक्त रिमूवल हुई है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की, और इसी तरीके से इशू उस वक्त बना था, अगर उस वक्त उसे आईनी और कानूनी तौर पे निपटा दिया जाता तो आज ये सूरत हाल ऐसे ना होती। वक्त पे आपको फैसले करने पड़ते हैं। फिर आपने दूसरी बात की एजेंसीज़ की अकाउंटेबिलिटी की, ऐसा नहीं है, इस मसले को भी एड्रेस किया गया है। आप असगर खान केस उठा के देख लें, उसमें तो यहाँ तक हुआ कि जनरल दुरानी को, जनरल असलम बेग साहब को बुलाया गया और उन्होंने जिस तरीके से आईजीआई बनाई थी और जैसे फंड जो है वो रिलीज हुए थे, उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज का क्या किरदार है, इलेक्शंस में उनका क्या रोल है, उसके ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पे डिस्कस भी हुई हैं, फैसला भी हुआ है और अदालतों ने अपनी विजडम भी शेयर की है। अब लेजिस्लेशन पे आ जाए, आपको पता है पूरे मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा धचका क्या लगा है जो हमें सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इलेक्शन कराओ। आपके कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर वजीर आजम ने कहा कि मैं मादरसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मान सकते। ये हमारे मुल्क की तारीख का सबसे बुरा वाकया है। जहां पे आप इदारों को इस तरीके से अब्यूज करते हैं, इसलिए कि आपने तो लीडरशिप देनी होती है। स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, विदाउट जुडिशरी, हाउ यू कैन कंसेप्चुअलाइज? आर्मी को मिनिमाइज करके, आर्मी को रूल आउट करके आप स्टेट का तस्वर कहां से ला सकते हैं? सो मिल के चलना होता है इदारों के इर्तिका के लिए। तो लेजिस्लेचर आप उठा के देखिए, चाहे वो 5 साल गुजश्ता ही क्यों ना हो, आप ये देख लिए कि कानून साजी पे हमारे फ्लोर पे हमारे भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव्स ने किसी भी कानून पे डिबेट कितनी की है। कई जगहों पे आपको 0 डिबेट मिलेगी। कितनी? 0 डिबेट, आपका कानून बन जाता है। दीगर मुमालिक में, अमेरिका में कानून सर मैं आपकी एक बात पे सॉरी अटक गई हूँ वहाँ पे जाके, मुझे उसका जवाब दीजिए। आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से बात की और आपने कहा कि माजी में आपने कुछ नाम लिए कि जिनको इंक्वायरी में शामिल किया गया था। तो क्या माजी में फैजाबाद धरने में कौन इन्वॉल्व था या खान साहब के पीछे कौन लोग थे? क्या इस बात को भी कुछ डिस्कस किया जाएगा कि कौन जो है, आप बिल्कुल जो रिटायर्ड हो गए उनका ही हम भुगत रहे हैं, जो सीट पे नहीं उनका ही भुगत रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये कि उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा? अरे देखें, जिस वक्त कौम का और मुल्क का मामला होता है ना, वहां पे सबको इन्वॉल्व किया जाता है। आपको फेयर तरीके से, मुनसिफाना अंदाज में, शफाफ तरीके से ट्रायल की तरफ जाना चाहिए। आपने कभी सुना था कि अमेरिका के किसी सदर को आप मुजरिमाना फेल के लिए उसके कॉन्डक्ट पे आप उसके खिलाफ चार्जेस लगा के ट्रायल करेंगे? आज हुआ कि नहीं? ट्रंप साहब पे कितने केसेस बन गए, 98 के करीब उन पे चार्जेस लग चुके हैं और अब ट्रायल उनका शुरू होने जा रहा है। यकीनी तौर पे मुल्क बेहतरीन वो होता है जहाँ पे इश्यूज बनते हैं, फैसले होते हैं, गलत और सही का तयन होता है, लोग अकाउंटेबल होते हैं अदालतों के सामने भी, अपने सिस्टम्स के सामने भी। सो देखें, हमें और आपको, आप जिस दर्दमंदी से इस तमाम अम्र की मंजरकशी कर रही हैं, फील भी कर रही हैं, तो यकीनी तौर पर ठीक कर रही हैं ना। इन चीज़ों को हल किसने करना है? तो जो हमारे स्टेट आर्गन्स हैं, हम उनसे ही ये तवक्को रखेंगे कि अफहाम और तफहीम के साथ को एग्जिस्ट करते हुए मामलात को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं। और यकीनन अब ये भी मामला आया है, तो आप देख लीजिए, दे आर देयर। अब बहस हो रही है, ये तामीरी बहस है और इसके प्रोब होगा, इस पे लोग आगे अकाउंटेबल ठहरेंगे। तो दुआ कर सकते हैं सर कि इस पे जो है कोई काम आगे हो जाए। मैं तो शुरू से ही बात करती हूँ कि जनाब, जिस वक्त जो मामला होता है उसी वक्त क्यों याद आता है? पहले जो कानून में मसले, नई गवर्नमेंट आती है, आप बहुत सारी चीजों में हंसी खुशी होते हैं कि आपके पास गवर्नमेंट आ गई है, तो कानून में जो मसाइल है उसकी भी तो तशरीह कर लें। और सबसे पहली जरूरत इस समर की है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात तो की जाती है, पहले अपने घर की सफाई कर ली जाए, फिर दूसरों को जो पकड़ धकड़ की जाए, तो ज्यादा पब्लिक में आप बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं और बेहतर तरीके से चीजें आ सकती हैं। बहरहाल वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद सामने आता है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है कर्नल मुख्तार भट्ट साहब, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आगे जो इलेक्शन का मामला है, पहले भी हमने तो पेशनगोई कर दी थी कि 90-90+ हो जाएगा, वो 90-90+ तो हो चुका है, लेकिन आपको लगता है कि उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी और कोई पार्टी जो है वो रूल आउट कर सकेगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? शॉर्ट आंसर दीजिएगा सर। देखिए, इसमें जो की बात है वो ये है, अगर इलेक्शन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और अमन अमान के साथ डिसिप्लिन के तहत अकॉर्डिंग टू दी इलेक्शन लॉज होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी जिस तरह से भी इलेक्शन जीत कर, उसको फिर 5 साल मिलने चाहिए। और जो लोग हार जाएं वो मतलब वो धांधली का शोर न मचाएं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन हो चुकी है कि जो पार्टी हारती है वो गांधी का शोर मचाना शुरू कर देती है। तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अभी मैं इसमें आपके प्रोग्राम में एक सजेशन देना चाहता हूँ। हमने देखा होगा कि ये जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो सारे बंद होते हैं, नजर नहीं आता कुछ, ठीक है कि नहीं है? दे शुड बी मेड ट्रांसपेरेंट। वो दिखा देते हैं ये खाली है और बाद में फिर उसमें, अब तो मोबाइल है आपके पास, जितने अंदर आ गया सब वोट आ गए जितने, उसकी आप पिक्चर ले लें, ताकि दूसरा अगर 10 वोट भी जाएंगे तो उसका जो हजूम है वो ऊपर आ जाएगा। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नजर आने चाहिए। पेपर अंदर। चलिए बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद थे। सर बड़े अच्छे से बात कर रहे थे कि 5 साल मिलने चाहिए, लेकिन 5 साल कोई किसी को रहने दे तब की बात है, हुकूमत आने जाने से क्या फर्क पड़ता है। या तो आप किसी की सर्विस 3 साल कर दें या किसी और की सर्विस 5 साल कर दें तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, चीज़ें पाकिस्तान में सुकून से चलने लगेगी, वरना एक्सटेंशन के मामलों में और वज़ीर-ए-आज़म जाने में हम पड़े रहेंगे। मेरे साथ यासिन आज़ाद साहब मौजूद हैं PMLN से। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। नहीं आए अभी, ठीक है, थोड़ी देर में हमें रब्ता हो जाएगा उनसे। सर आपकी तरफ चलते हैं। अभी जो इलेक्शंस के मामला हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी इलेक्शंस के बाद और चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ आपको जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि IMF के मसाइल हैं, इस वक्त हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, इकॉनमी का बुरा हाल है, लेकिन हम सियासत में पड़े हुए हैं, क्या समझते हैं? आइन तो ये कहता है कि बाहर तौर चौदह रिप्रेजेंटेटिव्स ही हुकूमत चलाने के मजाज हैं। आइन तो ये भी कहता था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। हमने उसी मुद्दत में उठा के पिटिशंस भी अदालतों में डाली, अदालतों में वो फैसले नहीं हो पाए, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस दे लिए, हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। अभी कुछ रोज़ पहले कहा जा रहा था कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अब वही इदारा कहता है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। सो ऐसे क्यास आराई के दौरान ये सोच लेना कि इलेक्शन होगा, अगर हो जाए तो ये बड़ा जिम्मेदाराना फेल होगा। क्या होगा मुझे ज़ाती राय में फ़िलहाल ये दिखाई नहीं देता। होना क्या चाहिए? आइन पे अमल दरामद होना चाहिए। अब उसके लिए मेरा मानना हमेशा ये है, पाकिस्तान के हालात के मुताबिक देखते हुए, कि बेहतर है कि वक्त ज़ाया किए बगैर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में मुल्क की सालमियत के लिए डायलॉग करके इस मामले को दिनों में सेटल डाउन करें और एक राह निकालें ताकि पाकिस्तान की आवाम को सुकून मिले। मैं इसरार इस बात पे कर रहा हूँ कि स्टेक होल्डर्स आपस में बैठ के इस मसले का हल तलाश कर लें, और स्टेक होल्डर इंक्लूड्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड पॉलिटिकल। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जिस दलदल में इंसान फंस जाता है तो कोई बाहर की ताकत चाहिए होती है कि उसको निकलने के लिए। अभी जो PTI है वो जिस दलदल में फंसी हुई है उसका हमें तो नहीं लगता कि, क्योंकि चेयरमैन PTI ने कभी भी नरमी नहीं दिखाई है अपने मामलात में, और ना ही वो अपनी जगह किसी को आने देंगे या पार्टी एक्सेप्ट किसी और को भी नहीं कर रही है। मेरी बात कंटिन्यू यूँ होती है कि अगर नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे वक्त बुरा आया तो उन्होंने पार्टी के दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को आगे किया और चीज़ें आगे चली। शाह महमूद कुरैशी की मिसाल भी हमारे सामने है, लेकिन PTI खुद भी इस मामले पर तैयार नहीं है और मेरा ख्याल है कि चेयरमैन PTI भी तैयार नहीं है, तो चीज़ें कैसे मज़ीद बेहतर होंगी? मैं अगर पूरी तरह से अहाता करूँ जो मैंने किया है तो उनका स्ट्रॉन्ग व्यू और परसेप्शन बतदरीज आखिरकार में आके डायलॉग के लिए उस नुक्ते पे पहुंच गया और उन्होंने कहा कि आइए बैठ के डायलॉग कर लें। सो वो जो आप तब्दीली और तग़य्युर की बात करती हैं वो ज़मीनी हालात के मुताबिक वो उस मकाम पे पहुँचे कि उन्होंने कहा कि आके बात करें, लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये बात की तो ये समझा गया कि ही हैज़ स्पोकन फ्राम द पोजीशन ऑफ वीकनेस। चलें वीकनेस ही सही, बट ही एग्रीड टू दैट। सो सिंसियरिटी का तकाजा ये था कि बैठते और इस पे बात करते, और अब भी जबकि वो हिरासत के दौरानिए में हैं तो बात यह कि एक होता है कोवर्ट ऑपरेशन, एक होता है ओवर्ट ऑपरेशन, तो यहाँ पे तो कोवर्ट डिप्लोमेसी भी चल सकती है ना। तो बात यह है कि मतलब सियासत में सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकती इर्तिका है ना। देखिए आपकी अब कांग्रेस कहती थी कि हम सेकुलर हैं, हम मजहबी बुनियाद पर कोई मुल्क नहीं बनने देंगे। दे स्टूड बाय दिस। 3 जून को माना कि नहीं माना, पाकिस्तान बन गया कि नहीं बना। माजी में मोइन कुरैशी जो पाकिस्तान के सिटीजन भी नहीं थे, सिटीजन भी बन गए एक दिन में और आके वजीर आजम भी बन गए। हुआ कि नहीं? काम भी बड़ा अच्छा हुआ भी ना। आई मीन टू से इट हैपेंड। जब स्टेक होल्डर्स कौमी मफाद में काम करते हैं तो राह निकल आती है, तो राह निकालनी इनकी जिम्मेदारी है। और इस वक्त पाकिस्तान की कौम जिस जहनी अजाब से गुजर रही है तमाम का ये इर्तका है, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन इख्तरा भी है इसमें। आप ये भी सोच लें कि ये भी एक चीज सामने आ रही है कि नहीं PTI का मुस्तकबिल क्या होगा। ठीक है आप ये हम कर रहे हैं बातें, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि जिस तरह से जो चीज़ें आ रही हैं पार्टी बिल्कुल ही एक साइड पे लग गई है। और अगर जो अभी केस हुआ है और केस में 3 साल और 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना है, उसके बाद जो उसका काउंटर आया कि 5 साल की ना अहली, ये अभी चीज़ें चल रही हैं। बोलने की कीमत अदा करनी पड़ती है। बदलाव की आवाज़, जब आप सिस्टम को चैलेंज करते हैं आपको उसके अंजाम से गुजरना होता है। ये आप सुकरात से ले लें, जुल्फिकार अली भुट्टो तक आ जाएं, उनसे ले लें, इमरान खान तक आ जाएं। आप जब बोलते हैं, आप जब एग्रेसिव होते हैं या गलत पॉलिसी अपनाते हैं तो फिर आपको नताइज भुगतने होते हैं। तो आज इम्तिहान की आजमाइश से तो इमरान खान को भी उसी तरह से गुजरना पड़ रहा है जैसे नेल्सन मैंडेला को गुजरना पड़ा। जैसे आप मुझे लगता है थोड़े से बाइस हो रहे हैं आप यहाँ पे। मुझे ही बताएं कि क्या, मेरे पास अब तो प्रोग्राम का वक्त भी कम है, लेकिन क्या 9 मई के वाकया को बुलाया जा सकता है? कभी भी नहीं। लेकिन बात यह कि फेयर आप देख लेना, उस चीज को एड्रेस कर लिया ना, स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आपने देखा उन्होंने एक्शन किया, अकाउंटेबिलिटी आ गई ना, लोग अब उन इम्तिहानों से गुजर रहे हैं ना, दे आर अपियरिंग बिफोर द कोर्ट और फिक्स हो रही है रिस्पांसिबिलिटी, दिस इज रिक्वायर्ड। हम कभी सोच सकते थे ऐसा होगा? हमारे सवाल ये भी नहीं सोच सकते थे जो मैं इस वक्त स्क्रीन के सामने गुफ्तगू कर रही हूं। मैं इदारों के बारे में, पाकिस्तान हमारे लिए, उसकी अफवाज हमारे लिए, उसके इदारे ही तो हमारी शनाख्त है। हम तो कभी भी अपने मुल्क में ऐसी बदअमनी नहीं सोच सकते थे। लेकिन आपको एक बात कहूं, केपी में हमारे सामने ये बात आई तो वहां पर गवर्नमेंट हुई और उसने फौज को बुलाया इंतजाम संभालने के लिए, और पता क्या लिखा, इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस एक्ट। लेकिन अगर ये इख्तिरा भी है ना तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, वो उस अकाउंटेबिलिटी से गुजरेंगे। इसलिए कि हाउ यू कैन चैलेंज स्टेट, कभी नहीं, कोई भी मुल्क की इजाज़त नहीं देगा। लेकिन मैंने कहा कि अरे नतीजे से पहले, फैसले से पहले यही तस्वर कर लेना कि ये मुजरिम ठहरा, मैं समझता हूँ कि ये एक अंदाज़े अदल व इंसाफ नहीं है। हमें यकीनी तौर पे ड्यू प्रोसेस देखना होगा, इंसाफ करना नहीं चाहिए, इंसाफ दिखना भी चाहिए। सर आपकी बातें बड़ी पॉजिटिव हैं, मुझे एक शॉर्ट आंसर दे दें आप। ये चेयरमैन पीटीआई हमेशा रोट पावर की बात करते थे, रोट पावर जब नज़र आया तो पाकिस्तान में जो है देख लें क्या कुछ हुआ, क्या ये ठीक था? मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये जो हुआ 9 मई को, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लीडर का मतलब दुनिया की डिक्शनरीज में, दुनिया की रिसर्चेज में लीडर का कहते हैं हैविंग फॉलोअर्स, ही हैज़ फॉलोअर्स। लेकिन जो 9 मई में हुआ, इसे दुनिया की किसी भी किताब में जो लोग जिन्होंने इंटेंशनल अगर किया है तो दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इस चीज को ठीक करना चाहिए कानून के मुताबिक। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। मेरे मेहमान गिरामी का शुक्रिया कि वो आज प्रोग्राम में मौजूद थे। बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस मराहिल में है, जिस दौर में है, वो पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा एक मुश्किल दौर है। क्यों जनाब? ये बात नहीं है कि कोई मुझसे कहे कि हमेशा ही नाजुक दौर चलता है। इस दफ़ा नाजुक दौर इसलिए भी है कि तमाम हम पे जो हमारी जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जो अकाउंट डेफिसिट है, उस पर ज़रा आंखें खोल के नज़र डाल देनी चाहिए कि आगे हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का क्या होगा। ज़रूरत इस अमल की है कि अना को छोड़ के तमाम स्टेक होल्डर्स और वो तमाम पार्टीज जो पाकिस्तान में स्टेक रखती हैं, चाहे वो किसी भी तरह किसी भी मसले में उलझी हुई हो, उन सबको बिठाया जाए और फैसला किया जाए कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला किस तरह से करना है। यहाँ पे दुआ बस वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।